दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी सॉल्यूशन का एग्जैक्ट पीएच सेट करना, पीएच वैल्यू सेट करना और किसी भी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू का पता लगाना कि किसी भी सॉल्यूशन का कितना पीएच है। तो इसके लिए दो मेथड होते हैं, एक स्ट्रिप मेथड और एक डिजिटल मेथड। तो ये हमारे पास जो है स्ट्रिप है, तो ये स्ट्रिप मेथड से भी कर सकते हैं आप, और दूसरा है कि हमारे पास डिजिटल पीएच मीटर है, उससे भी आप पीएच का पता लगा सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन का पीएच कितना है। और ये हमारे पास जो तीसरा है, ये पीएच सेट करने के लिए कि हमारे पास एग्जैक्ट पीएच किसी का चाहिए होता है तो वो सेट करने के लिए, ये हमारा सॉल्यूशन है जिसका पीएच हमें सेट करना है। उसको मैग्नेटिक स्टरर पर क्या करेंगे, रखेंगे, उसमें मैग्नेट डालेंगे और ऑन मैग्नेट ऑन कर देंगे ताकि हम उसमें सॉल्यूशन जब डालेंगे पीएच सेट करने के लिए NaOH और HCl तो पूरी तरह से सॉल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, मिक्स हो जाए, इसलिए मैग्नेटिक स्टरर का यूज़ करते हैं। ये हमारा होता है, इसको हम जो है ना जिस सॉल्यूशन का पीएच चाहिए होता है उसको हम उस सॉल्यूशन में रखते हैं और वही हमारा रीडिंग देता है, पीएच वैल्यू का डिस्प्ले होता है। ऐसे सॉल्यूशन का चाहिए होता है उस सॉल्यूशन में हम रख देंगे और मैग्नेटिक स्टरर ऑन करेंगे, और उसमें पीएच यदि बढ़ाना हो तो NaOH डालेंगे, पीएच यदि घटाना हो तो HCl डालेंगे। डिपेंड्स करता है कंसंट्रेशन पे कि आपको कितना एग्जैक्ट पीएच कितना है और कितना चाहिए होता है, कितने जंप करना है। यदि आपका पीएच सपोज कीजिए कि 10 है और 10 सॉल्यूशन का पीएच घटाना चाहिए हो तो HCl यूज करते हैं, 0.1 नॉर्मल HCl है, और यदि किसी भी सॉल्यूशन का पीएच बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, बढ़ाना हो सिंपल तो NaOH यूज करते हैं। NaOH जो है कंसंट्रेशन डिपेंड्स करता है कि आप कौन सा कंसंट्रेशन, कोई घटाने के लिए यूज यूज कर करते सकते हैं, नॉर्मली 1/10 में यूज करते हैं NaOH और HCl। तो जिस भी सॉल्यूशन का पीएच चाहिए होता है उस सॉल्यूशन को हम मैग्नेटिक स्टेट पर रखना होता है पहले। तब तो हम क्या करते हैं कि पहले ही हम करते हैं कि पीएच सॉल्यूशन हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसका पीएच वैल्यू पता लगाते हैं, आखिर इसका एग्जैक्ट पीएच वैल्यू कितना है। तो स्ट्रिप मेथड से हम देखते हैं कि क्या करेंगे, कि स्ट्रिप लेंगे और स्ट्रिप को हम तोड़ेंगे और उसको पीएच में जो सॉल्यूशन है उसको हम सॉल्यूशन में डीप कर देंगे, और जो उसका जो स्ट्रिप का जो कलर होगा, जो हमारे पास जो स्ट्रिप है उस कलर से हम मैच करेंगे। तो ये आप देखिए जी जो कलर है वो लगभग लगभग इसके आसपास यानी कि 6 और 7 के बीच है। इसका जो है ना पीएच वैल्यू में जो है एग्जैक्ट पॉइंट में नहीं आता, ये फिगर में आता है यानी कि जो है डिजिट में आता है। तो इसका जो है लगभग लगभग 6 के आसपास पीएच है जो हमने स्ट्रिप मेथड से किया, तो उसका 6 पीएच है। अब हम क्या करेंगे, डिजिटल मेथड से हम देखेंगे कि इसका पीएच कितना आ रहा है। तो जो डिजिटल मीटर है इसको हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम रख देंगे। तो सॉल्यूशन में रखेंगे तो कुछ देर बाद इसका पीएच वैल्यू हमें रीडिंग दे देगा, यानी कि 30 सेकेंड बाद या 15-20 सेकेंड बाद ये देखिए 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी कि 6 के आसपास भी इसका, इसमें भी 6 के आसपास पीएच वैल्यू हमें ये दे रहा है। जो अब हम क्या करेंगे कि इस सॉल्यूशन का सपोज कीजिए कि इस सॉल्यूशन का हमें पीएच चाहिए 10, अभी पीएच जो है वैल्यू इसका जो है 6 के आसपास है और हमें चाहिए पीएच कितना चाहिए 10। हम क्या करेंगे कि जो है मैग्नेटिक स्टेटर ऑन करेंगे, ठीक है, और उसमें हम एक स्ट्रिप जो हमारा ये जो पीएच वैल्यू का जो मीटर वो रीडिंग लेने वाला जो है उसमें डीप कर देंगे, और यदि हम अभी कितना पीएच हमारे लगभग लगभग 6 के आसपास पीएच है तो पीएच हमारा चाहिए 10, यानी कि पीएच क्या करना है हमें बढ़ाना है तो NaOH यूज करेंगे। तो हम NaOH ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे, तो NaOH डालने के लिए NaOH डालेंगे हम, तो ये देखिए पीएच जो है NaOH हमने डाल दिया तो पीएच हो गया 10.59, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा थोड़ा। तो पीएच सॉल्यूशन इसमें जो है NaOH या HCl डालने के बाद कुछ सेकंड वेट करना होगा आपको, तो पीएच हो गया 10.66, इसमें हम थोड़ा और NaOH डाल दिया। तो अब हम क्या करेंगे, पीएच को हमें ज़्यादा हो गया, पीएच हमें 10 चाहिए तो पीएच घटाना है, पीएच घटाने के लिए हम क्या करेंगे HCl यूज करेंगे। तो HCl जो है हम इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे ताकि पीएच घट जाए। HCl हम डाल रहे हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो ये धीरे धीरे अपने आप पीएच का वैल्यू घटता जाएगा, ये 78 से 77 हो गया, 76 हो गया, धीरे धीरे घटता रहता है ये। इसका सिंपल सा है कि जब ये किसी का पीएच वैल्यू सेट करना है तो सॉल्यूशन को आप मैग्नेटिक स्टरर पर रखिए, ठीक है, मैग्नेटिक स्टरर पर उसमें एक मैग्नेट डाल के मैग्नेटिक स्टरर ऑन कर दीजिए, ठीक है, और यदि और उसका जो एग्जैक्ट जो पीएच सॉल्यूशन का जो पीएच है वो आप उसमें देख लीजिए कितना आ रहा है और आपको कितना चाहिए। अगर आपका पीएच बढ़ाना है
तो आपको NaOH यूज करना होगा, यदि pH आपको घटाना है तो HCl यूज करना होगा, बस सिंपल सा है इसका रूल है। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।